नमस्कार, मैं प्रगति राज और आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इस पर जमकर विरोध भी किया था। इसी कड़ी में मोतिहारी में कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मोतिहारी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में कई तरह के स्लोगन भी लगाए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस आश्रम बंजरिया में बैलगाड़ी और रिक्शे पर सवार हुए और पूरे शहर में घूमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के चरखा पार्क पहुंचे और फिर एक जगह एकत्रित होकर नारेबाजी की। वहीं विरोध जताते हुए युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार के समय जब पेट्रोल का दाम 50 रुपये था तो बीजेपी के कई नेता सड़कों पर आ गए थे, लेकिन आज क्या हुआ कि वह चुप्पी साधे हुए हैं। बढ़ते तेल और पेट्रोल के दामों के लेकर आज युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के द्वारा बंजरिया शहीद स्मारक से मीना बाजार और जानपुर चौक होते हुए गांधी संग्रहालय चरखा पार्क पर टायर बोर और सैकड़ों रिक्शे चालकों भाइयों के साथ आज विरोध प्रदर्शन करने का काम किए। ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने 2014 में जब तेल का यूपीए सरकार था तब 50 रुपया तेल था, तो आप लोग आपके शीर्ष नेतृत्व द्वारा सड़क पर लंगटे नाच नचने का काम करते थे, वो दिन आप याद कीजिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह आज दिन पर दिन एक कोरोना महामारी में जिस तरह आम वर्गों किसान मजदूरों को खासकर जितना चोट लगा, जितना बेरोजगार हुआ है, उसको आपको मदद के बजाय आप उस पर क्रम उसको सजाए करने का काम कर रहे हैं। किसानों को आज तेल की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे ये साबित हो गया कि आप किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह तेल का वृद्धि हो रहा है, लगभग अब 100 रुपया करीब आ गया है, कहाँ गया आपका नरेंद्र मोदी जी, कहाँ गए आप बीजेपी के शेष नेतृत्व? आप सड़क पे आइए, तब मानेंगे आप सच में नेता है और किसानों के नेता है। निश्चित तौर पे बीजेपी का कोई नेता दिखाई नहीं देता है। आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं कि तुरंत अगर वाकई में सच में बीजेपी किसान हित और देश हित के लिए काम करना चाहती है तो डीजल पेट्रोल के दाम में ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में गिरावट करे। कांग्रेस जिला युवा अध्यक्ष ने मोदी सरकार का विरोध करते हुए उन्हें किसान विरोधी बताया है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को कम करने की भी बात कही है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।